नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा संभावना लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों का गठन होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी संभावना लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान समय में 5 संभाग हैं, उसमें 2 और नए संभाग जोड़े जाएंगे, यानी कि कुल संभागों की संख्या हो जाएगी 7। और छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में जिलों की जो संख्या है वो 27 है, और अगर 4 नए जिलों का और गठन हो जाता है तो ये संख्या हो जाएगी 31। तो इसमें हम देखेंगे आज के डिस्कशन में कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से जिलों की मांग उठती आ रही है, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो जिलों का गठन किया जाता है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से लेकर अब तक इसमें कितने जिलों को ऐड किया गया है, और ये जिले कौन कौन से हैं और कब कब इनको ऐड किया गया है। तो शुरुआत करेंगे हम कि अभी वर्तमान समय में पूरे छत्तीसगढ़ में किन किन जगहों से नए जिलों की मांग जो है वो उठ रही है। शुरुआत हम करेंगे शक्ति, जयजयपुर और तीसरा है सारंगढ़। ये तीनों जगह से नए जिलों की मांग उठती आ रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो पलड़ा भारी है वो है सारंगढ़ का। उसके बाद नंबर आता है सरायपाली का। सरायपाली अभी वर्तमान समय में महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। सरायपाली के स्थानीय लोगों की भी मांग है कि महासमुंद से अलग करके सरायपाली को एक नया जिला घोषित कर दिया जाए। उसके बाद नंबर आता है पत्थलगांव का। वर्तमान समय में पत्थलगांव जो है वो जसपुर जिले में आता है, लेकिन लंबे समय से मांग उठती आ रही है कि पत्थलगांव को एक जिले के रूप में घोषित किया जाए। उसके बाद नंबर आता है कटघोरा। कटघोरा में की भी जो मांगे हैं वो दशकों पुरानी है, तो कटघोरा जो है अभी वर्तमान समय में कोरबा जिले के अंतर्गत आता है, और कटघोरा को भी ऐसी मांग है कि उसे एक अलग जिले के रूप में घोषित किया जाए। उसके बाद जो नंबर आता है वो है बाडरफपुर। बाडरफपुर जो है वर्तमान समय में अभी बलरामपुर जिले के अंतर्गत में आता है, तो यहाँ से भी मांग उठ रही है कि इसे भी एक नए जिले के रूप में घोषित किया जाए। उसके बाद भाटापारा का नंबर आता है। देखो, भाटापारा अभी बलौदाबाजार भाटापारा नाम से एक जिला है, लेकिन भाटापारा के स्थानीय लोगों की मांग है कि भाटापारा को एक स्वतंत्र जिले का दर्जा प्रदान किया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जो उठती आ रही है। और अब हम बात करेंगे कि 4 संभावित जिलों का जो गठन होने वाला है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें जो संभावित जिले हैं उसमें से सबसे पहला है राजनांदगांव से काटकर मोहला मानपुर को एक नया जिला बनाया जाएगा। उसके अलावा कांकेर से अलग करके भानु प्रतापपुर को एक नया जिला बनाया जाएगा। उसके बाद रायगढ़ से अलग करके सारंगढ़ को और बिलासपुर से अलग करके पेंड्रा मारवाही को नए जिले के रूप में घोषित किया जाएगा। ये हो गई जिलों की बात। अब होगी बात संभाग की। वर्तमान समय में कुल संभागों की संख्या कितनी है? 5। इनमें से कौन कौन से हैं? बस्तर है, सरगुजा है, रायपुर है, दुर्ग है और बिलासपुर है। अब 2 नए संभाग जोड़े जाने की बात की जा रही है, तो ये 2 नए संभाग कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें जो पहला संभाग बनाए जाने की बात कही जा रही है वो है कांकेर। कांकेर को अलग संभाग बनाकर इसमें बालोद, कोंडागांव और भानु प्रताप जिलों को जोड़ा जा सकता है। उसके बाद दुर्ग संभाग से राजनांदगांव को अलग कर नया संभाग बनाया जा सकता है। इसमें मोहला मानपुर और कवर्धा जिलों को शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ संभावनाएं थी कि अब हम बात करते हैं कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जिलों का गठन किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ इसका पूरा प्रोसीजर कैसे चलता है। सबसे पहले उस स्थानीय क्षेत्र के लोगों के द्वारा में मांग की जाती है, यानी कि अगर मान लो कि जैसे भानु प्रतापपुर को एक जिले के रूप में घोषित करना है, तो भानु प्रताप के लोगों के द्वारा वहां पर जो मांग है वो उठेगी। उसके बाद राज्य सरकार के पास में प्रस्ताव जाता है, राज्य सरकार इस पर विचार करती है, फिर राज्य सरकार चाहे तो एक कमेटी का गठन कर सकती है। इस कमेटी का काम होता है कि उस क्षेत्र में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ढूंढे, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर किस प्रकार से हो सकती है, सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद वो कमेटी रिकमेंड करती है सरकार से, यानी कि राज्य सरकार से। राज्य सरकार का कैबिनेट जो है फिर उस पर अंतिम फैसला लेता है कि इस क्षेत्र को नए जिले के रूप में घोषित करना चाहिए या नहीं। अब हम यहाँ थोड़ी सी बात छत्तीसगढ़ में वर्तमान जिलों की स्थिति पर भी कर लेते हैं। हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, यानी कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तो उस समय छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या होती है 16। लेकिन वर्ष 2007 में 2 और नए जिले जोड़े जाते हैं, तो उस समय जो 2 नए जिले जोड़े जाते हैं वर्ष 2007 में वो होता है
बस्तर जिले से काटकर नारायणपुर को एक अलग जिला बनाया जाता है। उसके बाद दंतेवाड़ा जिले से काटकर बीजापुर को एक नया जिला बनाया जाता है। तो 2007 में छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या हो जाती है 18। उसके बाद आता है वर्ष 2012, 9 और जिलों को ऐड किया जाता है। तो जिसमें रायपुर को काटकर 2 और नए जिले बनाए जाते हैं, जिसमें बलौदाबाजार भाटापारा होता है और उसके बाद दूसरा होता है गरियाबंद। उसके बाद दुर्ग से भी 2 नए जिले बनाए जाते हैं, एक होता है बालोद और एक होता है बेमेतरा। उसके बाद सरगुजा से भी 2 नए जिले बनाए जाते हैं, एक होता है सूरजपुर और एक होता है बलरामपुर और रामानुजगंज। बिलासपुर से मुंगेली को काटकर अलग जिला बनाया जाता है। उसके बाद दंतेवाड़ा को काटकर सुकमा को एक अलग जिला बनाया जाता है और बस्तर का एक हिस्सा और काटकर कोंडागांव को भी एक जिला बनाया जाता है। तो इस तरह से वर्ष 2012 में 9 नए जिलों का और गठन किया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो जाती है 18 से पहुँच जाती है 27। और अब 4 और संभावना लगाई जा रही है। अगर 4 और नए जिलों की घोषणा हो जाती है तो कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 31। तो ये जो हमारा पूरा डिस्कशन था छत्तीसगढ़ में जो 4 नए संभावित जिले ऐड होने वाले हैं उसके बारे में था। तो ये हमारा पूरा आज का डिस्कशन था। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।